अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं निकल रहा हूँ अज़रबैजान की तरफ। आज आप लोगों के साथ सारी जर्नी शेयर करूँगा, स्पेशली वीज़ा ऑन अराइवल, इमिग्रेशन, सारा क्या सीन होता है। मेरा एक्चुअली दुबई एयरपोर्ट पे ब्लॉग बनाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर एक सीन हो गया। जैसे मैंने पासपोर्ट दिया, आपको पता है अज़रबैजान का वीज़ा जो है वो ऑन अराइवल है। पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए भी, अगर आपके पास यूएई का रेजिडेंट कार्ड है, तकरीबन सब नेशनलिटी के लिए अगर आपके पास यूएई का रेजिडेंट कार्ड है तो अज़रबैजान का वीज़ा आपके लिए ऑन अराइवल है। तो वही मैं भी कर रहा हूँ, ऑन अराइवल ही वीज़ा लूँगा। बाय द वे, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप मतलब जाने से पहले ऑनलाइन ई वीज़ा भी ले सकते हो, जो कि अगर आप 3 दिन पहले लोगे तो $25 में मिलेगा, और अगर आप अर्जेंट लोगे सेम टाइम पर तो फिर आपको $60 में मिलेगा। तो मैंने वो नहीं लिया, मैंने कहा क्योंकि मुझे अचानक प्लान हो गया था और फिर मुझे $60 नहीं देने थे, और तो फिर मैंने कहा कि वहाँ पर ही लूँगा ऑन अराइवल। तो यहाँ पर जैसे अभी मैंने उनको पासपोर्ट दिखाया, वो कह रहे आपको वीज़ा नहीं मिलेगा ऑन अराइवल, आपको पहले से वीज़ा लेना पड़ेगा। मैंने कहा मिलेगा, उसने कहा नहीं मिलेगा, मैंने कहा मिलेगा। फिर उसने गए अपने सुपरवाइज़र को बोला, फिर रेजिडेंसी कार्ड वगैरह देख देख के उन्होंने कहा चलो हाँ मिलेगा, तो आप अपना फिर एनी वे फिर बोर्डिंग पास दी। उनको भी नहीं पता होता ना, पाकिस्तानी पासपोर्ट देख के उनको भी लगता है कि यार क्या शायद नहीं मिलेगा। अब वहाँ पर पहुँच के फिर वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो फिर वहाँ पर पता चलेगा, वहाँ पर मिलेगा कैसे मिलेगा क्या देखेंगे। मैंने कुछ भी साथ में नहीं लिया हूँ, ना NOC लाया हूँ, कुछ भी नहीं, बैंक स्टेटमेंट कुछ भी, क्योंकि उनके वेबसाइट पर कहीं पर रिक्वायर्ड नहीं लिखा था, तो मैं कुछ भी नहीं लेकर आया हूँ, सिर्फ पासपोर्ट है और MRS ID कार्ड है। तो देखेंगे वहाँ पर मिलेगा कैसे मिलेगा। ओके, तो भाई फाइनली मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे, और एयरपोर्ट पे सिम ले लिया मैंने यहाँ के 43 मन्नत में, और ओके चल ड्राइवर का टेक्स, ड्राइवर यहाँ से निकल गया, मुझे कह रहे मेरी वीडियो मत लो। और बाय द वे मैंने बोल्ट, मैंने बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोज़ देखी थी, यहाँ पर टैक्सी बहुत महंगी होती है, 50-50, 60-60 मन्नत मांगते हैं, बहुत ज़्यादा है यहाँ। और मैंने वो कुछ 2-3 वीडियोस यूट्यूबर्स की देखी थी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर बोल्ट एप्लीकेशन काम करता है, बोल्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करो और उस पर फिर सबसे पहले मैं ड्राइवर की थोड़ा वीडियो बनाओ। नहीं छोड़ो, सही बंदा है यार, ट्रस्ट कर लेते हैं। स्टोरी सुनाता हूँ आपको। तो बोल्ट एप्लीकेशन में यूट्यूबर्स की वीडियो मैंने देखी, तो उन्होंने कहा बोल्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करो, सेम करीम की तरह ऐप है। तो मैंने डाउनलोड कर दी, तो अभी यहाँ पर रह के उसमें बहुत सस्ता है, मेरा होटल तक सिर्फ 7.5 या 8 वो लगते हैं मन्नत लगते हैं, और लोग 50-60 मन्नत मांगते हैं, लेकिन प्रॉब्लम उसमें यह कि वो मिल नहीं रहे, बहुत बिजी है। तो ये लोग यहाँ पर खड़े बहुत सारे होटल के एयरपोर्ट के सामने खड़े कि हम ले जाएंगे, ये बंदा कह रहे हैं मेरे पास सेम प्राइस पे लेके जाऊँगा। चलो मैंने कहा क्या, तो कह रहे 20 लूँगा। मैंने कहा भाई 20 ही बहुत ज़्यादा है, मैंने कहा 10 लो। बहुत मिनटें कर रहा था, कह रहे चलो सही है, वो है
तो फिर और मिल भी नहीं रहे, वो ठंड भी है, तो फिर मैंने कहा चलो यार निकलो यहाँ से इसके साथ। तो मैं जैसे वीडियो बना रहा था तो ये इसने दरमियान में आई थिंक इसने लोगों को बुटाना शुरू कर दिया, मतलब अभी इससे मेरे बात हुई है 20 पे, पहले 10 पे मान गया लेकिन फिर बात खराब हो गई, फिर 20 पे मान गया, अब 20 पे तो मान गया लेकिन अभी ये दरमियान में रुक के लोगों को दरमियान में लोगों को उठा रहा है। तो चलो जो भी है कमाने दो उसको, हमें क्या, थोड़ा सा कमा लेगा हमें प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बंदा सही होना चाहिए, कुछ वो ना करे, कुछ प्रॉब्लम ना करे। अभी इसने किसी लड़की को उठाया है, पीछे पीछे बैठी हुई है, पता नहीं क्या बोल रहे, दोनों हंस भी रहे। वही पहुंच तो गया मैं, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत तेज़ हवा लग रही है, बहुत तेज़। ये ओल्ड सिटी में है ये होटल, तो जो दरमियान में गलियाँ वलियाँ है ना, तो पुलिस ने वहाँ रास्ते रोके हुए हैं, गाड़ी अंदर नहीं आ सकती गलियों में, तो गाड़ी वाले ने मुझे उधर उतार दिया। अच्छा हुआ गर्म कपड़े में लाया हूँ, लेकिन सारे बैग में इतने से रास्ते, ऊपर नीचे रास्ते हैं तक मुझे वो। बाय द वे लोकेशन बहुत अच्छी जगह पे है, वो देखो मशहूर बिल्डिंग्स जो है उसका व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है, बट जब गाड़ी वाले ने मुझे उतारा है और अब मैं जा रहा हूँ, ये देखो पूरे रास्ते आदमी बैग लेके जा रहा हूँ, इसको खींच भी नहीं सकते इन रास्तों पे। यहाँ पर वो है, वो ईंटे ईंटे से लगी हुई है, सुनसान रास्ता है, सुनसान बिल्कुल कोई नहीं है गलियों में, बट ट्रस्ट मी इस तरह है जैसे मैं पहाड़ पे चढ़ के आ रहा हूँ। पहुँच तो गया हूँ लेकिन इस पे होटल पे कोई नाम मान नहीं लिखा। फाइनली भाई पहुँच गया हूँ, और बहुत ऊपर जगह थी, बहुत थका दिया उसने, बहुत सर्दी भी थी बाहर। आज कुछ इनका कुछ ख़ास दिन चल रहा है कुछ, तो पुलिस वुलिस बहुत ज़्यादा घूम रहे, गश्त कर रहे, तो इन साइड सिटी जो है उन्होंने सारे ड्राइवर्स को, कार्स को, गाड़ियों को रोक रखा है, और बहुत ज़्यादा पुलिस दिख रहे हैं इधर उधर घूम रहे हैं। आज पता नहीं क्या 6 मार्च है, पता नहीं 6 मार्च का कुछ तो हुआ होगा, इनका कुछ दिन है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम है, रश बहुत ज़्यादा है। एनीवे होटल पहुँच गए हमें, और अच्छा होटल है, आप लोग को मैं होटल दिखा दूँ। ये रूम है, इस तरह लग रहा है शादी का रूम, शादी का रूम लग रहा है, अच्छा है, मतलब नो कंप्लेंट्स अभी तक, सब कुछ सही है। दरवाज़े में चाबी नहीं थी, मैंने चाबी मांगने को बोला हुआ है, तो चाबी दरवाज़े के लॉक कैसे करेंगे ब्रदर? की या लॉक तो नो की ये भी टिकटॉकर लग रहा है।
सही रूम है, वॉशरूम भी अच्छा है, क्लीन है, तो ये इतना महंगा नहीं है बाय द वे, बजट के अंदर मैंने लिया था और ख़ास बिल्कुल सिटी के दरमियान में है। अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया और वो ये कि वीज़ा जब मैं ले रहा था वो मशीन से ख़ुद यहाँ पर, जैसे आप एयरपोर्ट में मतलब लैंड किया हमने और जैसे जाओगे तो ई वीज़ा जो ऑन अराइवल वीज़ा होता है वो आपको इमिग्रेशन वाले नहीं देंगे, वो आप मशीन से ख़ुद निकाल सकते हो, बस पासपोर्ट स्कैन करो वीज़ा निकालो। तो उस टाइम पर एक पाकिस्तानी PIA भी आया हुआ था, बहुत सारे पाकिस्तानी आए थे, बट हमारा जो दुबई वाला प्लान आया तो उनको पता चल गया, उस पुलिस ने मुझे देखा दूर से, मैं मशीन के सामने खड़ा था, उसने मुझे कहा कि पासपोर्ट लिया, उसने कहा दुबई से, मैंने कहा रेजिडेंट कार्ड है, मैंने कहा, तो उसने फिर एक और जगह पे भेजा, कह रहे हो पहले वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन करो। तो पाँच छः और भी गल्फ GCC कंट्रीज़ वाले थे, उसमें 8-10 कंट्रीज़ थी, मलेशिया था, कतर, ओमान, ये सारी कंट्रीज़ थी, वहाँ के अगर आप रेजिडेंट हो तो वहाँ पर पहले उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया सिंपल सा। और बाय द वे एक चीज़, मैं अपने साथ $30 लाया था, मैंने एक वीडियो में देखा था किसने बोला था कि अपने साथ $30 ले जाओ फिक्स मशीन में, क्योंकि फिक्स $30 ही लगते हैं, अगर आपके पास $30 नहीं होंगे तो वो आपसे फिर मतलब मशीन रिटर्न नहीं करेगा। तो जब रजिस्ट्रेशन करा था उस लड़की, उनके पास वो कार्ड भी पड़ा हुआ था, बाय कार्ड भी आप पेमेंट कर सकते थे, उन्होंने मुझसे पूछा बाय कार्ड पेमेंट करोगे, मैंने कहा बाय कार्ड, मैंने कहा मैं कैश भी लाया, तो उसने कहा एग्जैक्ट 30 है, मैंने कहा एग्जैक्ट 30 है $30 पे, तो फिर मैंने सारा कैश ही दिया $30 US डॉलर, मन्नत नहीं। तो ऑन अराइवल वीज़ा जो है वो $30 में है। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आपके पास कैश नहीं भी हो तो यहाँ पर आप बाय कार्ड पे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से। उसके बाद फिर आप लोगों ने देखा, फिर वीज़ा मिला विद इन, और इस सारे प्रोसेस में पूरे 3-4 मिनट ज़्यादा नहीं लगे टाइम, फिर मुझे लगा वो लाइन में बहुत लंबा लाइन था, दो प्लेन एक साथ आए थे पाकिस्तान और दुबई वाला, तो बहुत लंबा लाइन था, उस पर तकरीबन आधा घंटा लगा, 25 मिनट लगे। तो आई थिंक दैट्स फॉर दिस वीडियो, बहुत तक गए मैं, सर में दर्द हो रहा है, इंशाल्लाह कल से बाक़ को एक्सप्लोर करना शुरू करूँगा मैं, कल मैं खुद से एक्सप्लोर करूँगा सारे सिटी को बाय वॉक, खुद से एक्सप्लोर करूँगा। नेक्स्ट डे पर मेरा कुछ प्लान है किसी ग्रुप के साथ जाने का, फिर उसके बाद भी दूर एक गाँव है, प्लान मेरा वही है कि वहाँ जाकर कोई बारिश वारिश नहीं हुई, कुछ प्लान ख़राब नहीं हुआ तो अच्छा खासे प्लान्स कर मैं आया हूँ, 3-4 दिन यहाँ पर स्टे है मेरा और अच्छा एक्सप्लोर करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखें अल्लाह हाफिज़।